हाय दोस्तों, एमवी टेक्निकल में आपका स्वागत है। देख लीजिए जनरेटर का वायरिंग किस तरह से किया जाता है, मेरे दोस्त लोग ने पूछा था। ये देख लीजिए, ये जो ब्लू वायर नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक एमसीबी दिया हुआ है। इसको यहाँ से पूरा रूम में, हर एक रूम में डिवाइड हुआ है, स्विच बोर्ड में गया हुआ है सिंगल सिंगल तार, वहाँ से डिवाइड होके ये देख लीजिए थ्री फेस RYB किस तरह से डिवाइड किया जाता है, मेरे दोस्त ने पूछा था। ये देख लीजिए, रेड येलो ब्लू ब्लैक चारों दिया गया हुआ है। ये थ्री फेस है, थ्री फेस किस लिए यूज किया जाता है अभी आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो MCB दिख रहे हैं आपको, येलो तार देख लीजिए, ये चारों MCB में कनेक्ट किया गया हुआ है। ये चारों को एक फेस में दिया गया हुआ है और ये रेड वायर को ले जाके ये चारों MCB में दिया गया हुआ है। ये दूसरे फेस में लगाया हुआ है, ये देख लीजिए ब्लू पेस्ट लेके आके सीधा सीधा आपको चारों MCB में दिया गया हुआ है। ये चारों को आपको सीधा एक पेस्ट में दिया गया हुआ है। ये सिंगल तार को इन्वर्टर या जनरेटर दोनों चेंज ओवर में लाया गया हुआ है। ये नॉर्मल मेन ओवर चेंज ओवर है, देख लीजिए मेन ओवर चेंज ओवर कहते हैं इसको, मैनुअल चेंज ओवर, और उसमें ऑटोमेटिक चेंज ओवर का भी मैंने पहले आपको दिखाया था। इसी तरह से चेंज ओवर लगाया जाता है ताकि जनरेटर चालू होते इसको चेंज करने से इसमें से सीधा इस सिंगल MCB में आ जाएगा पावर। यहाँ से देख लीजिए सारे वायर मैंने मिला दिया है, क्योंकि इस वायर में बस सिवा एक फैन एक लाइट के कुछ ज़्यादा नहीं है कंट्रोल, ताकि मेरे को एक MCB से काम चले गए। और ये जो नज़र आ रहा है, बाकी पूरा ब्लू पेस में तीनों MCB दिया गया हुआ है। थ्री पेस किस लिए यूज़ किया गया है इसमें, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 20 amps MCB डाल के AC का तार मिलाया, और इसी में इसके अंदर भी एक देख लीजिए 20 amps MCB डाल के इसको भी एक AC, यानी कि थ्री बेडरूम में, तीनों बेडरूम में तीन AC है। 3000 watts का लोड यहीं पर हो गया आपका। बाद में इसको ग्रेजर भी लगाया गया हुआ है, टोटल इन्वर्टर में जनरेटर जितना भी लोड पूरा दिया गया हुआ है MCB से, ताकि हम लोग को सिंगल पेस का लोड इसमें एडजस्ट नहीं होगा, इसीलिए थ्री पेस का दिया गया हुआ है थ्री पेस में, ताकि पूरा लोड डिवाइड हो जाए, ताकि प्रॉब्लम बार बार ना आ सके। इसी तरह से हम लोग को थ्री पेस का डिवाइड करना चाहिए। ये जो न्यूट्रल लिंक होता है, न्यूट्रल लिंक को देख लीजिए, सीधा सीधा लेके आके मैंने न्यूट्रल में मिला दिया। ये पूरे सारे न्यूट्रल लिंक में मिला के कनेक्ट करके न्यूट्रल को आउटपुट कर दिया, और थ्री पेस को तीनों MCB में वन बाय वन इसको चार चार MCB के एक एक बॉक्स बना के इसमें डिवाइड कर दिया गया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ट्यूटर क्या होता है, RYB अगर एक पेस अगर डिस्कनेक्ट हो गया, एक पेस अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दूसरे पेस में ले जाने के लिए ट्यूटर का इंतजाम किया जाता है उसको। अगर इस DB में भी अगर आपको साइड में अगर ट्यूटर का जंक्शन बॉक्स हो तो उसी तरह से डिवाइड करके हम लोग इसको भी सेट कर सकते हैं। नहीं बोलते इसको अगर आपको ट्यूटर लगाना है तो साइड में एक DB बॉक्स लगा के, नीचे में लगा के DB बॉक्स, उसके अंदर से आपको डिवाइड करने से हो जाएगा। ओके दोस्तों, देख लीजिए इसी तरह से थ्री पेस को डिवाइड किया जाता है। और भी मेरे दोस्त बोल रहे थे थ्री पेस का क्या है, थ्री पेस क्या होता है मालूम नहीं है, थ्री पेस बड़े काम की चीज़ नहीं है ना। थ्री पेस जो है आपको आराम से समझ में आ जाएगा, सिंगल पेस जैसे मिलाते हो चार MCB में, इसी तरह से चार चार MCB को डिवाइड करोगे तो थ्री पेस हो जाएगा। वो न्यूट्रल को देख लीजिए, न्यूट्रल ताकि फेल्ड ना होए आपको, सिंगल फेल्ड में अगर न्यूट्रल फेल्ड हो जाता है तो रिवर्टर रिटर्न पेस आता है, अगर थ्री पेस में अगर पेस न्यूट्रल अगर चेंज हो जाएगा फेल्ड हो जाएगा तो बहुत 440 होने का चांस रहेगा, इसीलिए न्यूट्रल को बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेट करना चाहिए। और इसी तरह से और ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया अभी DB डस्टिंग किस तरह किया जाता है। इससे पहले भी मैंने दिखाया था MCB किस तरह मिलाया जाता है आपको थ्री पेस में। इसी तरह से थ्री पेस को डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका पेस ओवरलोड ना होए आर पेस में, ताकि बराबर बराबर लोड चला जाए। इसी तरह से इन्वर्टर का पॉइंट जो देते हैं हम लोग दो पॉइंट में, बस एक फैन पॉइंट एक लाइट पॉइंट, जनरेटर का पॉइंट को बस इसमें तार मिलाते हैं हम लोग। इसी तरह से हर एक रूम में इसी तरह से डिस्कनेक्ट किया जाता है, हर एक रूम में जो भी जनरेटर तार ले जाते हैं हम लोग एक लाइट एक फैन के लिए, उसको हर एक रूम में जाके एक लाइट एक फैन में डिस्कनेक्ट उसमें कनेक्ट किया जाता है। मेन पावर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और बाद में जनरेटर का वायर उसमें कनेक्ट कर देने से आपका पूरा पावर कनेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, बेल बटन दबाएं।
हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।